सबसे पहले हम सेकेंड डिग्री उसी रे की सेकेंड डिग्री सिंबल्स जो हैं उनमें अगर आपको फर्स्ट डिग्री में चोकुरे मिल चुका है तो ठीक है, अगर चोकुरे नहीं मिला है तो चोकुरे दिखा देती हूँ। ये है चोकुरे सिंबल। सेकंड है सेई है की, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक मिनट, ऐसे भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी हम से की बना सकते हैं। और नेक्स्ट है चोकुरे से की और हंसा से सोनन। अब हंसा से सोनन देखिए, ये है हमारा हंसा जे सो निन। ये है हंसा जे सो निन। ये चोकुरे से है कि हंसा जे सो निन। चोकुरे हमें हमारे ये तीनों सिंबल्स हमें बहुत ही पावरफुल हीलर बनाते हैं। इनको हमें प्रैक्टिस करना होता है ठीक से। और ये हंसा जे सो निन जो है ये हमें डिस्टेंस हीलिंग सेकेंड डिग्री उसी रेखी सीखने का मतलब है आप खुद के साथ साथ खुद ब्लड रिलेटेड लोगों को हीलिंग देने के टच हीलिंग के साथ साथ आप कहीं से भी पृथ्वी के कहीं से भी किसी को भी आप डिस्टेंस में हीलिंग दे सकते हैं, हीलिंग सेंड कर सकते हैं। आप रेखी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं रेखी सेकेंड डिग्री सीखने के बाद। और रेखी ये जो रेकी का सिंबल है ये हंसा जे सो निन आपको जिसको आप हीलिंग सेंड करना चाह रहे हैं आप उनके और आप में एक ब्रिज तैयार करता है जिसके थ्रू रेकी वहाँ तक पहुँच पाता है और उनको जैसे हीलिंग की ज़रूरत होती है वैसे हीलिंग पहुँचा सकते हैं। और हम सेकेंड डिग्री सीखने से पीपल को लोगों को तो ह्यूमन को तो हील कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स बर्ड्स प्लांट्स इवन नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम हील कर सकते हैं। तो उसी रे की फर्स्ट डिग्री सीखने से हम ब्लड रिलेटेड लोगों को टच हीलिंग के द्वारा हील कर सकते हैं और खुद भी हील हो सकते हैं। सेकेंड डिग्री में खुद के साथ साथ ब्लड रिलेटेड लोगों के साथ साथ पृथ्वी में कहीं भी किसी भी प्रांत में किसी को भी आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं, किसी भी कारण से हीलिंग सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो हीलिंग पावर है वो भी बढ़ सकता है सेकेंड डिग्री सीखने से। और रेकी के बारे में और कुछ जानने की ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछ सकते हैं। रेकी सीखिए, अपने लाइफ को पॉजिटिविटी से भरपूर कर लीजिए क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रेकी की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगे तो आप वैसे भी पॉजिटिविटी फील करेंगे। तो अपने लाइफ को अपने हाथों में अगर लेके आना चाहते हैं और डिवाइन की रेकी के ब्लेसिंग्स को हमेशा अपने साथ पाना चाहते हैं तो ज़रूर सीखिए रेकी। और इसे जस्ट आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ठीक से
तो ही सीखना है। अगर अगर आप सोचोगे कि हाँ एक बार सीख लिया, 21 डेज का आत्मशुद्धि कर लिया, 2-3 महीना प्रैक्टिस किया, जब बहुत खुशी से बहुत पॉजिटिविटी से लाइफ लीड कर रहे हैं, फिर छोड़ दिया। और फिर क्या करते हैं बहुत लोग, क्या करते हैं जब पॉजिटिव लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं और तभी रेकी प्रैक्टिस बंद कर देते, केयरलेस हो जाते हैं। और केयरलेस होने का मतलब ही क्या होता है, रेकी उनके बॉडी में प्रवाहित नहीं हो पाती है क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, हमारे जो चक्रास होते हैं, एक्चुअली रेकी क्या है, रेकी हमारे यूनिवर्सल पावर है जो हमारे चक्रास के थ्रू हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं और हमारे चक्रास में हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से हर नेगेटिविटी को दूर करते हैं। जो जो नेगेटिविटी हमें हमारे लाइफ में रिलेशन प्रॉब्लम्स लेके आते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उन सबको दूर करने में हेल्प करते हैं रेकी। तो हमें इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और जब प्रैक्टिस करने का मतलब ही ये है, जब जैसे हम एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे हम घर को साफ़ करते हैं रेगुलरली, अगर एक दिन अगर घर को साफ़ ना करें, घर घर में झाड़ू पोछा ना लगाए, तो हमारा घर दूसरे दिन ऑटोमेटिकली गंदा हो जाता है ना। वैसे ही हमारे चक्रास भी वैसे ही हैं। हम हर रोज़ नहाते हैं, क्यों? हमारे बॉडी को फ्रेशनेस देने के लिए, हमारे बॉडी को क्लीन रखने के लिए। तो वैसे ही हमारे चक्रास को क्लीन रखने के लिए हम रेकी के हेल्प से हमारे चक्रास को क्लियर एंड पॉजिटिव रखते हैं। तो वो भी हमारा घर जैसा ही है, हमारा मंदिर है, जिसको हम एक दिन अगर हीलिंग ना करें तो धीरे धीरे उसमें नेगेटिविटी की धूल जमनी जमना शुरू होता है। तो हमें वो धूल जमने देना नहीं है। इसलिए हम रेगुलर बेसिस में इसको अगर प्रैक्टिस करें तो ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पर बहुत से लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और फिर जब छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिकली उनके लाइफ में फिर से पॉजिटिव नेगेटिविटी आना स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि मैंने रेकी सीखा है, प्रैक्टिस भी किया था, पर हमारे लाइफ में फिर से नेगेटिविटी आ रही है, हम फिर से प्रॉब्लम में फंसे हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो क्या क्या फ़ायदा? पर आई वॉन्ट टू वॉर्न देम, ऐसा अकृतज्ञ बिल्कुल मत बनिएगा, क्योंकि रेकी की ब्लेसिंग्स हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं जो सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। और आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, खुद सिंसियर नहीं रहेंगे और रेकी को या रेकी गुरु को दोष देंगे, इससे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएंगी। इसलिए बी सिंसियर। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर जिनमें सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, जो और जो जिनमें विल पावर है कि हाँ मेरे खुद के प्रॉब्लम्स में रेकी सीख कर हर रोज़ प्रैक्टिस करके मेरे सारे प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा या करूँगी, अगर ये विल पावर आप में है और आप खुद को प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करूँगा और इसको अपने लाइफ के डेली रूटीन में इंक्लूड करूँगा, तो ही आप रेकी सीखिए। अदरवाइज़ डोंट डोंट ट्राई टू लर्न इट, बिकॉज़ ये आपके लिए नहीं होगा। पर ये एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है, ऐसी ब्लेसिंग्स है डिवाइन की, जो आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी लेके आता है, आपके विल पावर को बढ़ाता है और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देता है। तो ज़रूर सीखिए, ज़रूर खुश रहिए। यूनिवर्सल पावर ब्लेस यू ऑल।